News TV, your city, your news. कोई सक्षम कार्य नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एक जो कदम सही से उठाया जाता है वो नहीं उठाया, सिर्फ बातें, अब बातों के अलावा ढोके वाली बातें हैं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा सही। जैसे कोई नई यूनिवर्सिटी की अभी कभी कोई यूनिवर्सिटी तीन साल में केंद्र सरकार के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा, आप यूपी राज्य जो अपने सरकार की बनी है, योगी राज्य बना है, योगी सरकार बनी है, उसमें भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी कोई यूनिवर्सिटी का वो नहीं हुआ है। अभी कोई देख लीजिएगा आप डिजिटल, जैसे जिस को डिजिटल लिया, जैसे अखिलेश ने 100 नंबर अपने बनाई थी, तो 100 नंबर को लेकर वो काम चला कि GPS उसमें अटैच है, और जो भी कहीं दुर्घटना होती है, कोई भी होता है, तो वो तुरंत उसके थ्रू पता चल जाएगा। पर अभी तक और डिजिटल जैसे अभी कुछ नहीं हुआ। अब उनने एक अभी चीज़ जन सुनवाई बताई है, जन सुनवाई एक ऐप्स निकाली है योगी जी ने, उसके थ्रू मैंने देखा कि कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में आप सीधे और किसी से संपर्क कर सकते हैं, पर जैसे पुलिस प्रशासन के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ अगर आपको वहाँ कोई सूचना देनी है, वो उसमें कुछ भी नहीं है अभी। जिस हिसाब से पब्लिक ने भाजपा को अच्छा काम करने के मानकर वोट दिया था, उस हिसाब से कोई बजट कोई आम सरकारों की तरह इसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ नहीं है। बजट में कोई नई बात तो है नहीं, ना शिक्षा के लिए कोई योजना दाखिल की गई है, और जहाँ तक हम जिस पेशे से जुड़े हुए हैं अधिवक्ताओं के लिए भी कोई इसमें बजट में कोई नई घोषणा नहीं की गई है, और ना कोई नई योजनाएं हैं इस विकास के लिए। एक पुराने बजट को नया चोला पहनाकर उसमें एक बढ़ोतरी अगर दी गई, उसको धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश की गई है। मैं इसको प्रदेश के या आम जनता के विकास के लिए नहीं मानता कि आम जनता के विकास की कोई बात नहीं है। ये सब पहले वाली जैसी सरकारें हैं उन्हीं की तरह बजट है, कोई स्टूडेंट के लिए कोई खास भी नहीं है। जैसे पहले ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी का वही, ना नौकरी मिल पाती है ना जॉब, स्टूडेंट के लिए इसमें कोई खास नहीं है।